ये और अगला वीडियो आपके कमेंट्स पर आएगा। बुशरा फातिमा का कमेंट है कि उनका बच्चा 6 साल का हो गया, 2 साल से सेंटर में थेरेपी चल रहा है, क्या अब उनके पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान शुरू किए जा सकते हैं और बच्चा ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये पहला कमेंट है। दूसरा कमेंट आएगा चित्रा सैनी का कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजें कि नॉर्मल स्कूल में भेजें, क्या करें, इसी के ऊपर इन दो कमेंट्स पे बात करेंगे। अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि अब जो सीरीज आगे चलेगी वो आपके कमेंट्स पर चलेगी। इसलिए आपका कोई भी कमेंट है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सवाल एक इनोवेटिव सवाल हो सकता है, उस सवाल के ऊपर आपको कंसल्टेशन भी फ्री में मिल सकता है। अगर आपका कमेंट लाजवाब रहता है तो डेफिनेटली आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, और अगर आपका कमेंट ऑर्डिनरी भी होता है तो उसका जवाब तो वीडियो में मिल ही जाएगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर करके आप मेरा अपॉइंटमेंट इजिली ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुशरा फातिमा के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किया कि बच्चा उनका 6 साल का हो चुका है और अभी क्या उसके होम ट्रेनिंग या पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान चल सकते हैं, और ऑलरेडी वो पिछले 2-2.5 साल से किसी सेंटर में जा रहा है लेकिन प्रोबेबली वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा चाहते हैं कि क्या अभी ऐसा हो सकता है। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि 0 से 3 साल यानी पहला बैंड होता है डेवलपमेंट के लिए, दूसरा बैंड होता है अगर आप इसे मिस कर दें, दूसरा बैंड होता है 3 to 6 ईयर्स। उसके बाद जो भी चीजें होती हैं वो थोड़ी स्लो जरूर चलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितना स्ट्रांगली इसे करना चाहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे, स्पेशली मैंने एक पेरेंट्स है मेरे पास अभी सायरा, वो बिजनौर में है यूपी में, और उनका बच्चा जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका बच्चा ऑलरेडी 7.5-8 साल का था, और पिछले 2 साल के अंदर उनका बच्चा आज बिल्कुल नॉर्मल। उनका कमेंट भी है, वीडियो कमेंट भी है चैनल पर, अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वो वीडियो कमेंट आप देख सकते हो। तो आज की डेट में उनका बच्चा नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए, जान लगा दी, फैमिली से भी थोड़ा सा आगे पीछे होकर के सबसे लड़ के डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ी और आज उन्होंने कर दिखाया। तो अल्टीमेटली सब कुछ आपके डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि 99% काम आप करते हो, थेरेपिस्ट, थेरेपी सेंटर्स, कहीं भी आप जाते हो, 1% काम वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे। थेरेपी सेंटर के भरोसे इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि आप जाते हो वहां थेरेपी लेते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा वहां स्पेंड करके आते हो, आपको लगता है कि घर पर अब कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइडेंस प्लान से क्या होता है कि आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, आप घर बैठे हो, घर बैठे बिठाए आप अपने बच्चों को अटेंड कर सकते हो, उनके मूड के हिसाब से देख सकते हो, अपनी टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हो, तो एक मेंटल बर्डन आपका बहुत कम हो जाता है, वो अपने आप से ही आपको फायदा देने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज होती है कि आप किसी भी एज में, बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, अब मैं क्या करूं, क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास एक लड़की थी फरीदा, उसने अपने बच्चे को ज्वाइन करवाया था, बट क्या हुआ कि 7.5-8 साल का बच्चा है वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो गया, चीजें इंप्रूवमेंट बहुत आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि नेचुरली आपको पता है कि जब बच्चा बड़ा होगा आपको बहुत टाइम लग सकता है चीजें करने में, तो फिर वो क्या हुआ, धीरे 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 चीजें वापस चली गई, रिड्यूस हो गए, नेगेटिविटी आ गई, फिर वो चीजें आगे नहीं बढ़ती। इसलिए बार बार बोलूंगा कि सब कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डिटर्मिनेशन पे। इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेशन के साथ नहीं बढ़ना है, वही नेगेटिविटी रखनी है, वही बिहेवियर रखना है, वही सोच रखनी है, वही थॉट्स रखनी है, फिर आप जितना भी एफर्ट्स करते रहे, बच्चा छोटा है बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ें, ये मत देखें कि बच्चे की अब एज क्या हो गई है, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है या क्या उसके लिए नहीं कुछ किया जा सकता, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किया जा सकता है क्योंकि करने वाले आप हैं, आपकी कन्वीनियंस है, आपके एफर्ट्स हैं। इसलिए आगे बढ़िए, अपने एफर्ट्स कीजिए और अपने बच्चे को ठीक कीजिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है। सो ज्वाइन करने के लिए आप जरूर कॉल कर लें या व्हाट्सएप से एक मैसेज डालें, जिससे कि हम लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। दूसरा वीडियो अभी इसके बाद आएगा, उसमें चित्रा सैनी का कमेंट, नॉर्मल स्कूलिंग या स्पेशल स्कूलिंग, इसके ऊपर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।